मत थोरी तुम अपन बिरत रखा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, रख रखनहार दयाला, नानक करके गुले, रख रखनहार दयाला, नानक करके गुले। जुग जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरदेव जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच अठवें पातशाह बाला प्रीतम साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब महाराज, सच्चे पातशाह जीयां दे महान रहमतां बख्शिशां परे अस्थान, गुरद्वारा बंगला साहिब विखे शब्द नाल सुरत नूं जोड़ के सज बैठी गुरु सवारी, गुरु प्यारी गुरु जी का खास रूप खालसा, सत संगत जीओ, समूह संगत प्यार सत्कार विच भिज के सतगुरु साहिब जी नूं सीस झुकाउंदिआं गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर महाराज जीआं दी मेहरामत दा सदका लड़ीवार गुर शब्द विचार विच अज दे पावन शब्द दा मूल पाठ आप जीआं ने सन्मान सत्कार योग हैड ग्रंथी सिंह साहिब जीआं पासों सरवण कीता है। धुरधर गातो आई हुई कुल मनुखता दे भले वास्ते इह पावन पवित्र बाणी चों महान बख्शिश होई। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जीआं दी मुबारक रसना दे इह महिमामई बोल बिलावल राग विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीते। शब्द दे अंदर रहाउ दियां पंक्तियां ने हौ तिन बलहार जिन हर मन वसाए। साहब कहिंदे मैं उन्हां तों सदके जावां, उन्हां तों कुरबान जावां जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं यादां दे रूप विच अपने हिरदे च वसा लिया। हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावै सहज सुभाए, ते जिन्हां ने मालक दी याद नूं अपने हिरदे च वसाया ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
क्योंकि जो आप संगत चाहते हैं तो संगत च आके आप वेखते हैं कोई प्रेमी किन्नी रूह दे नाल अंदरों भिज के जुड़ के सेवा करन रिहा है। जे आप कदी सेवा नहीं की, सेवा करते हुए वल वेख के चाह पैदा होंदा है जे ये करन रिहा है तो मैं भी करा। किन्ने प्रेम नाल सेवा कर रहा है, जे ये रोज़ दी 2 घंटे करता, 4 घंटे करता, मैं 10 मिनट ही करा, चाह पैदा होया। गुरसिखां दी संगत करदे आ, एक कोई मनुख जिहड़ा बाणी ना पढ़दा होवे, नितनेम ना करदा होवे, वह बाणी पढ़न वालियां दी संगत करे, उहदे मन च की ख्याल आएगा भी आ सारे बाणी पढ़ रहे ने, सारे जुड़े ने, मैं नहीं पढ़दा, मैं भी पढ़ा। तिन्ना देख मन चाओ उठंदा हो, कद पाई गुणतासा, उन्हां वल वेख के मन विच चाह पैदा होएगा, ये बाणी पढ़न लगेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की कृपा का सदका इसलिए हर रोज़ अरदास विच गुरु दा सिख उन्हां प्यारियां दी संगत दी मंग करदा है। ये मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जिथे तुसीं मैनूं बेअंत दाता दे नाल नवाजिया ते हर रोज़ नवाजदे हो, मेरे ते हर वेले एक बख्शिश करना, एक रहमत करना दातार जी, मैनू किते उन्हां लोकां दी सोभत ना प्राप्त होवे जिहड़े साईं जी तेरे नालों टुटे ने, उन्हां लोकां दे किते दर्शन ना होण, मत्थे ना लगन जिहड़े साहिब नालों टुटे ने, उन्हां दी संगत मिले जिहड़े साहिब जी तेरे नाल जुड़े ने। ते की मंग करदे आ, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेते आवे। ते किन्नू मिलके नाम चेता आएगा, जिहड़ा जुड़िया होया, जिहड़ा टुटिया होया, उहदे संबंध विच ते कबीर साहब कहिंदे, कबीर साकत संग ना कीजिए दूरै जाइए भाग। जिहड़ा रब नाल टुटिया उहदी संगत नहीं करनी, उहनूं वेख के ते किनारा कर जो दूर हो जाओ। ते उदाहरण पता की दिती, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग, रसोई दे काले भांडिया दे विचों दी मनुख गुजरे जां उते बह खलो जावे, ते काले भांडिया दी धुएं नाल तवाखे हुए भांडिया दी संगत करन करके दे दाग पै जाएगा। इहदे चिट्टे कपड़े जिहड़े ने काले हो जाणगे, खराब हो जाणगे। इस तरीके नाल साई नालों मालक नालों टुटे हुए दी संगत करेगा, तेरा हिरदा भी काला होएगा, मलीन होएगा। तो शब्द का केंद्रीय भाव जो है वह है नाम जपण वालियां तो साहब कहिंदे मैं कुर्बान जावां। नाम जपण वालियां दी संगत करन करके हिरदे विच परमात्मा दे नाम जपण दा चा पैदा हुंदा है। ते जीव सुते सिद्ध सुभावक परमेश्वर दा नाम जपन लग पैंदा है। इस संगत कबीर संगत साधकी दिन दिन दूना हेत, दिनों दिन हेत वधदा जाएगा, प्यार वधदा जाएगा। इतिहासक गाथावां साडे सामने ने, जिन्हां ने नाम जपन वालियां दी संगत कीती, संगत करके जीवन बदल गया। सुरसिंह पिंड दा जमपल भाई वसण जी का सपुत्र, जिहदा आप जी इतिहास विच नाम पढ़ दिओ, बिधी चंद, जिमीदार घराने चो छीने गोत नाल संबंध रखण वाला, ते बचपन तो ही शरीर बड़ा मजबूत, कद काठी बड़ी मजबूत, बड़ी चेहरे ते नुहार, बड़ी सुंदरता और बड़ी डील डोल, बड़ा बल, बड़ी ताकत। ते ए बिधी चंद जी दे नानके सी सरहाली, सरहाली नगर च आम आउणा जाणा अपने नानकियां दे पिंड। ते की होया भी माड़े लोकां दी संगत मिल गई, ते संगत दा जिहड़ा असर है ना वो पशु पंछी भी कबूलदे ने। संगत दा असर जिहड़ा उते रुखां दरख्तां ते हो जांदा है, चंगे दी संगत करी उहो जिहा हो जांदा है, माड़े दी संगत करी उहो जिहा हो जांदा है। उदाहरण भी मिलती है पावन बाणी चो, भी केला
जे बेरी की संगत कर लेगा तो बेरी के कंडिया ने केले के पत्तियां दी की हालत कर देनी है, तो जे कोई रुख चंदन की संगत कर लेगा तो चंदन की संगत करके उतनू खुशबू सुगंधी प्राप्त हो जानी। माड़े लोगों की संगत मिल गई तो माड़े लोगों ने भैड़े पासे ला दिता, क्योंकि उन्होंने कोल जो है वो ही उन्होंने देना है, जो शह बंदे कोल हुंदी है वो ही दिंदा, जिहदे पल्ले चंगियाई है वह चंगियाई देगा, जिहदे पल्ले बुरियाई है वह बुरियाई वंडेगा। उन्होंने बुरे पासे ला दिता, भाई बिधी चंद नू अपने नाल लाया तो चोरी करन ला दिता, चोरी करिया कर, काम कोई नहीं वेले रहना, तो रात नू जाना किसी की गां खोल ली, किसी की घोड़ी खोल ली, किसी की मझ खोल ली, किसी के बोल चो दाणा फक्का त्याजक चुक लिया, तो फ्री फंड के नाल ही माया मिल जाती है, तो तेनू इन्ना सोहना शरीर मिले है तो तेरे विच इन्नी ताकत है तो तू साडे नाल लग जा। इस तरह होया भाई बिधी चंद चोरियां करन लग पे। एक दिन एक नगर के विचों मझा खोलियां, मझा खोल के लै तुरे तो पिछों पिंड के लोग जाग पे, जाग पे, एक ने रौला पाया, दूजा जागया, दूजे ने पाया, तीजा जागया, पिंड के लोग इकट्ठे हो गए, तो जिस पासे नूं भाई बिधी चंद मझा लैके जाते हैं ना उस पासे नूं पिछे पिछे पिंड के लोग डांगा सोटे लैके रौला पाते, फड़ लो मार लो करते चढ़ पे। भाई बिधी चंद जी मझा लैके काफ़ी दूर निकले, पर जदों वेख्या भी पिछे बाहर आ गई, इन्हें फड़ लेना तो हुण इन्हों तो बचिया नहीं जाना, कीता की जाए, गावां मझा तो एक पासे रही हुण तो अपनी जान बचाउणी मुश्किल है। इतिहास में जिक्र आता है कि साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी के सिख भाई अदली जी ये अपनी छन विच अपनी कुटिया विच बैठे ते परमेशर दी बंदगी विच लीन सन। भाई बिधी चंद जी गए, इन्होंने जाके मथा टेकिया, हाल दुहाई कीती, हे परमेश्वर दे नाम जपन वाले, हे रब दे प्यारे, मैं तेरी शरण विच आया, कृपा करके मैनू बचा। ते भाई अदली जी कहिंदे बचा ते केवल मालक ही सकदा है, बचा ते वाहगुरु परमेश्वर ही सकदा है, तू दस गल की है, सारी गल दसी कि मैं चोर हाँ, मझा खोल के लैके आया तो मैनू बचाओ। भाई अदली जी कहन लगे आ नाल दा छप्पड़ है, मझा इहदे विच वाड़ दे ते तू साडे कोल बैठ ते वाहगुरु परमेश्वर दा नाम जप। भाई बिधी चंद जी कोल बैठ गए, भाई अदली जी वाहगुरु वाहगुरु का जाप करवाउण लग पए, इहनूं कहा तू वाहगुरु वाहगुरु जप, ते बिधी चंद जी ने चौकड़ा मारिया ते ध्यान पिछे चोरां वल ही है भी वह जिहड़े पिछे बाहर आ रही है पिंड के लोग उन्हां वल ही है भी उन्होंने मैनूं लभदे होए इत्थे तक आ जाणा है, पर होर कोई रस्ता नहीं बचण दा, शायद इसे तरीके नाल बच जावां, बैठे वाहगुरु वाहगुरु करदे ने। पिछों बाहर आ गई खुरा खोज इतों तक आ रहा, तो आके पुछया भाई अदली जी नूं कि तुहाडे कोल साडा कोई चोर तो नहीं आया, तो भाई अदली जी कहिंदे ने कि गुरु का सिख होवे तो झूठ ना बोले, झूठ बोलना ठीक नहीं। वह आखन लगे आया की चोरी करके लैके आया, कहिंदे जी साडियां मझां। भाई अदली जी कहिंदे मझां जिहड़ियां ने नाल दे तलाब विच वेख लो तो चोर आ बैठा है। उन्हां पिंड दे लोकां ने वेख्या कि इह ते परमेश्वर का नाम जप रिहा, अखां बंद ने, और भाई अदली जी का कोई सेवक होणा, शायद भाई अदली जी ने साडे नाल ओही हासा कीता है। इह परमेश्वर का नाम जपण वाला, भाई अदली जी की संगत करन वाला चोर थोड़ी हो सकता है। पिंड दे लोग जिहड़े ने उह वापस मुड़ गए, तो भाई अदली जी कहण लगे प्यारिया अखां खोल, तेरा बचाव हो गया जी। भाई बिधी चंद जी ने अखां खोलियां भी वेखिया जदों सारे लोग वापस चले गए, तो भाई बिधी चंद जी कहण लगे भी अज उन्हां लोकां ने मैनूं छड्डणा नहीं सी, तुसीं बचा लिया,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਚੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾ ਗਵਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਪੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸੋਭਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਸਣਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ,
गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए, सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश होवे, कृपा होवे, जिहदे उपर अकाल पुरख वाहिगुरु आप त्रुठे, जिहदे ते मालक आप तरस करे, आप दया करे, पूरे गुरु की राही पूरे गुरु के द्वारा उहदे मन विच मालक नाल प्रीत पैदा कर दिंदा है, मालक नाल प्यार पैदा कर दिंदा है। ते जिहदा मालक नाल प्यार पै जाए वह फिर बाकी सारे पासों तोड़ दिंदा है। जिवें कोई बच्चा मिट्टी खांदा होवे ना, न्याणा मिट्टी खांदा, मिट्टी चुकदा, मूंह च पाउंदा है, उन्हूं माँ वार वार झटकदी है, वार वार मारदी है, रोकदी, वह हटदा नहीं, वह फिर चुक के मिट्टी मूंह च पाउंदा है। तो सियाणी माँ की करती है, जो बच्चा मिट्टी खाँदा उहदे मूँह चो मिट्टी कढ के उहदे मूँह चो गुड़ दी ढेली पा दिंदी है। तो जदों बच्चे नूं गुड़ दा स्वाद आउंदा ना, तो फिर आंदा भी जो मैं पहला खा रहा सा वह तो बिल्कुल बकला ते बेसवादा सी, वह तो मैं एवें ही मूँह च पाया, असली स्वाद तो है ही इस पदार्थ विच। इसे तरह सतगुरु महाराज जी की बख्शिश कृपा का सदका जदों असी बाहर पासे कई थां ते प्रीत जोड़ जोड़ के वेखी, कई थां ते जिथे भी प्रीत जोड़ी की देखिया संबंध टुट गए, क्योंकि दुनिया की प्रीत जिहड़ी है ना वह स्वार्थ के अधीन पुगदी है। जदों तक स्वार्थ मतलब होवे उदों तक प्रीत, जदों मतलब ना रहे अदों प्रीत मुक जाती है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी भी बख्शिश करते ने पावन बचना दे राही ऐसा समझाते ने, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फान दियो, को काहु को नाही रहाओ, सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत, चहूं दिस के रह बिबत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरै। जदों तेने कोल दमड़े, जदों ते कोल माया, जदों तक धन पदार्थ है उदों तक तो जिहड़े बगाने ने वह भी अपने ने, उदों तक वह नाल ढुक ढुक बहिंदे ने। ते जिदन जिदन कोल माया ना रही, जिदन कोल धन ना रहा, जिदन कोल सुख ना रहे, ते सारे फिर संग साथ छड़ के भज जांदे ने। सुख मैं बहु संगी भए, दुख मैं संग ना कोई। इहो जी प्रीत मनुख एक थां नहीं कई थां ते ला के वेखदा, एक रिश्तेदार वालों सांझ टुटदी है, दूसरे ते आस रखदा, दूसरे तो आस टुटदी है, तीसरे ते आस रखदा, एक मित्र वालों आस टुटदी है, दूसरे ते रखदा है, ते फिर जदों सारे पासों धोखे मिलदे ने ना, ये करदा है प्रीत मिलदी अगो बेप्रतीती, ते फिर इहनू समझ आउंदी है। ये फिर कंपेयर करके वेखदा भी दुनियावी प्रीत तो इहो जी है, तो गुरु की प्रीत, गुरु की प्रीत इस तरह की नहीं भी तेरे कोल कुछ है तू कुछ आके चढ़ावेगा तो गुरु तेरे नाल प्यार करेगा, जो कुछ नहीं चढ़ावेगा तो नहीं। गुरु साहब जी तो प्रीत इस तरह की है भी जेदी साहब जी ने बाह फड़ लेना एक बार, किड्डा वड्डा इतिहास साढ़े सामने, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की संगत विच कश्मीरी पंडित आए, तो महाराज जी के समकाली भट्ट चांद जी जिक्र करते ने सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने बाँह फड़ ली, तो जदों बाँह फड़ ली फिर होया कि चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचे बुरियाइया गुर शब्दी ए मन होड़ी है, तो गुरु दा ते बिरद ए बाँह जिन्हों की पकड़ी है, सिर दीजे बाह न छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म न छोड़िए। सतगुरु आप कृपा करके जिहदे मन विच प्रीत पा दिंदा है, जिहदे मन विच गुरु प्रति प्रीत होवे, ते प्रीत दा भिजिया प्रीत दा बजा, फिर गुरु दा सिख वार वार गुरु कोल आउंदा है, वार वार गुरु कोल आउंदा है। क्यों आउंदा है? क्योंकि इहदी प्रीत गुरु नाल है, ये अपने मालक का पला कदी छड़दा नहीं, भावें सुख होवे भावें दुख होवे, क्योंकि यह प्रीत जिहड़ी स्वार्थ करके नहीं, ये प्रीत ते अंदरों है, ताहीं बचन पढ़दे दिलों मुहब्बत जिन
सही सचे आ जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ ते जिन्हां दी दिलों प्रीत है ना वह फिर प्रीत कदी टुटदी नहीं वह कदी छड़दी नहीं उन्हां दी ते धुर तक निभदी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने कुछ उदाहरण दित्तियां। मानयोग श्री मान भाई गुरदास साहब जी कहिंदे ने सिखा जे तेरी गुरु नाल प्रीत पई है ना ते चेते रखी प्रीत कदी तोड़ी ना, क्योंकि तैनू बड़े मिलने जिन्हां ने तैनू बड़ा कुछ आखना है तोड़न वास्ते। हो सकता है तेरे जीवन में बड़े उतार चढ़ाव भी आउण, किते दुख आ जाए किते कोई गरीबी आ जाए, कोई भी दुख देख के डरी ना डोली ना प्रीत ना तोड़ी। उदाहरण की दित्ती भाई गुरदास साहब जी ने कहा कि तुसी बहुत बार वेख्या होएगा दीपक पै आवत पतंग प्रीत रीत लग, दीपक है महा प्रतीत मिले जार है दीवा जगया, दीवे दी लाट नू वेख के पतंगा दूरों आया। हुण पतंगा की करदा है वो दीवे दी लाट ते आउंदा है, उहदा दीवे दी लाट दे नाल सनेह है प्यार है। पतंगा आया सियाणे मनुख ने रोकिया पुछिया तू कित्थे चलिया, आंदा उह सामने देख दीवा जग रिहा है मैं दीवे दी लाट ते चलिया। रोकिया समझाया क्या मित्रा ना जाई, क्या क्यों ना जावा, इसलिए ना जाई कि दीवे दी लाट ते जाएगा ते दीवे ने तेनू साड़ के सवाह कर देना है। ते पतंगा आखन लगा भावे मित्रा मैनू साड़े भावे रखे, भावे मैनू उतों मौत मिलनी है पर मेरा दीवे दी लाट दे नाल प्यार है, मैं पिछे नहीं हटना मैं जाना ही जाना। ते तुसी वेखदे हो जुगा जुगांतरा तो लैके हुण ताईं पतंगा दीवे दी लाट वेख के आउंदा है, दीवे दी लाट नाल उहदा प्यार है प्यार करके आउंदा है, पर दीवे दी लाट नूं उहदे प्यार दी कोई कदर नहीं कोई सार नहीं। आउंदा है लाट ते आउंदा है अगों सेक लगदा है सड़दा है वार वार आउंदा है, उन्नी देर तक आउंदा है जदों तक इहदी मौत नहीं हो जांदी। पतंगे नूं दीवे नाल प्यार है पर दीवे नूं पतंगे दे प्यार दी कोई कदर नहीं कोई सार नहीं। भावें अगों मौत मिलती है भावें दुख मिलता है, भाई गुरदास साहब कहते पर पतंगे ने आना तो नहीं ना छड़िया, दीवे दी लाट तो पिछे तो नहीं ना हटिया, आया ना हली भी आंदा है। दूसरी उदाहरण अल चल आवत कमल पै स्नेह कर कमल संपुट बांध प्राण प्रहार है। सवेर का वेला होया सूरज दे चढ़न दे नाल कमल फुल खिड़िया, कमल फुल खिड़दिया सार भौरा कमल फुल वल नूं आया। सियाणे मनुख ने आख्या रुक जा किथे चलिया, आंदा वेख कमल फुल खिड़िया मैं उत्थे चलिया। पुछिया क्यों, तां चलिया कि मेरा कमल फुल दे नाल प्यार है। सियाणे मनुख ने समझाया तू आना मेरा कमल फुल दे नाल प्यार है पर तेनू पता उत्थों मिलना की है, तू उत्थे जाएगा बैठेगा सारा दिन आनंद लेंगा, शाम का वेला होना है सूरज डुबना है, सूरज डुबद्या सार कमल फुल दियां पंखड़ियां बंद हो जानियां ने ते तेरी विचे मौत हो जानी। भौरा आखन लगा भावें कमल फुल ते जान करके मैनू मौत मिलनी है पर मैं पिछे नहीं हटना मेरा उहदे नाल प्यार मैं जाना ही जाना। जुगा जगांतरा तो लैके अज तक भौरा कमल फुल ते जांदा है, सवेरे जांदा है शाम नूं पंखड़ियां बंद हो जांदियां ने विचे मौत हो जांदी है पर पिछे तो नहीं ना हटिया, इहदा कमल फुल नाल प्यार है। कमल दा इहदे नाल कोई प्यार नहीं, उहनूं ते सारी कोई नहीं, उहनूं ते कदर ही कोई नहीं फिर भी जांदा ना। तीसरी उदाहरण मन बच करम जल मीन ले वलीन गत बिशरत राख ना सख्त कह डार है। मच्छी नूं आखो तू पानी में रहनी आ तेनू बड़े कीमती पदार्था ती रख दी है सोने च बिठा दीए, वाकेगी मैनू सोना नहीं चाहिए। उन्हू आखो तेनू बेशकीमती हीरे जवाहरातों में रख दिने, तो मच्छी आती है भी मैं पानी तो बाहर एक खिन भी नहीं रह सकती, जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, मेरा जीवन जेड़ा पानी विच है पानी तो बिना मैं रह नहीं सकती। तो सियाणा मनुख आंदा है
कि तेरा ते पानी नाल प्यार है, तू पानी तो बिना एक खिल नहीं रह सकती, पर पानी नूं ते तेरे प्यार की कोई कदर नहीं। किन्ने मछुआरे आउंदे ने, शिकारी आउंदे ने, मच्छी नूं पानी चो फड़ के लै जांदे ने, मार के लै जांदे ने, ते पानी ते तेरी रखिया नहीं करदा, पानी ते तेनूं बचाउंदा नहीं, उहनूं तेरे प्यार की कोई कदर नहीं, कोई सार नहीं। ते मच्छी आंदी भावें पानी नूं मेरे प्यार की, मेरी प्रीत की कोई सार होवे चाहे ना होवे, पर मेरा पानी नाल प्यार है। भाई गुरदास जी ने होर थां वी जिक्र किया, मच्छी दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरे पानी, जुगा जगातरा तो लैके मच्छी पानी नाल प्रीत निभाउंदी चली आ रही है। ते इन्हां दी प्रीत दे बदले मिलदा की है, इन्हां नूं दुख मिलदा है। भाई गुरदास जी कहिंदे पतंगा दीवे दी लाट ते गया, प्यार करके अगों मौत मिली, भौरा प्यार करके कमल फुल ते गया अगों मौत मिली, मच्छी प्यार करके पानी में रहिंदी है पर पानी नूं उहदे प्यार दी कोई सार नहीं। सिखा दे तेरी गुरु दे चरणा नाल प्रीत है, पर तेनू ए समझ आ जाए दुखदाई प्रीत की प्रतीत पे मरे ना टरे, गुरसिख सुखदाई प्रीत क्यों विसार है। गुरु दी प्रीत ते दुखदाई नहीं, गुरु दी प्रीत उस दीवे वांगू मौत ते नहीं दिंदी, गुरु दी प्रीत उस कमल फुल वांगू भौरे नू मौत नहीं दिंदी, गुरु दी प्रीत पानी वांगू बेप्रतीती नहीं। गुरु दी प्रीत ते दो अंगी है, जे तू एक बार सतगुरु नू याद करदा है ते किते बाणी पढ़ के वेख ते ख्याल कर, गुरु तेनू किन्नी बार याद करदा है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हित है, तू गुरु नू एक बार चेते करदा है ते गुरु तेरा भला करन वास्ते तेनू किन्नी क वार चेते करदा है, गुरु तेरा भला करन वास्ते तेरे ते किन्नियां क बख्शिशां करदा है। इस वास्ते सिखा जे गुरु नाल प्रीत बनी है ते भुल के भी तोड़ी ना, ते जिन्हां दी प्रीत बनी है ना, जिन्हां ने निभाउण दी लालसा रख के प्रीत लाई, उन्होंने कहा भी बाकी सारे पासे ला के वेख लई, सारियां प्रीतां झूठियां, सारे प्यार मतलब दे, एक गुरु दी प्रीत है जिहड़ी मतलब तो बिना स्वार्थ तो बिना पूरी पुगदी है। ते बाबा रविदास साहब जी ने फिर प्यार भरे बचन कहना कि मालक मैं सारे थां ते ला के वेख लिया, तेरे वर्गी सच्ची प्रीत दुनिया च होर कितिओ नहीं मिलदी। ते जदों सच्ची प्रीत जुड़ गई ते फिर जिहड़ियां झूठियां प्रीतां सन ना उह सारियां तोड़ दित्तियां। बाबा रविदास साहब जी ने की बचन कहे ते उहनां पावन पंक्तियां नूं सारे आपां गा लईए, पहला दास पढ़ेगा ते पिछे पिछे आप सारे गुरमुख प्रेमी रसना पवित्र करियो कि मालक दी प्रीत ते दुनियावी प्रीत विच की फर्क है, जदों इधर प्रीत पै गई ते दूसरी फिर किवें छड्डी। भाई साहब सन्मान सत्कार योग भगत रविदास साहब जी दे पावन बचन, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी, जदों तेरे नाल जोड़ ली सच्ची प्रीत ते तेरे नाल जोड़ के बाकी पासों तोड़ ली। ते जेदे ते सतगुरु की कृपा होवे, हुण आ वी बचन ने भी ये प्रीत अपने आप नहीं, गुरु की संगत एवें नहीं, ताई बचन ने बड़भागी हर संगत पावे, इत पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। ते जेदे ते सतगुरु की बख्शिश कृपा होंदी है, गुरु प्रीत ला दिंदा ना, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे कत्तियां रागां दे विचों 16वें नंबर दा राग है बिलावल।
ते दिन दे दूसरे पैर दी आरंभता ते संगीतकारां ने इस राग दे गायन दा समां दस्या। ये राग जिहड़ा शांति दा ते सुख दा राग है, खुशी दा राग है, ते बिलावल तो भाव सुख, बिलावल तो भाव आनंद, ते फिर उस हिरदे रूपी घर विच खुशी, उस हिरदे रूपी घर विच बिलावल, आनंद ही आनंद, खेड़ा ही खेड़ा है। ते ओ हिरदा गुर शब्द सुहाए, गुरु दे शब्द दा सदका सुंदर बन जांदा है। मंगल नारी गावे आए, फिर जेदी मालक नाल प्रीत पै जांदी हो सत संगत रूप नारी भाव इस्त्रियां विच सखी सहेलियां विच मिलके मालक दे गुण गाउंदा है। आवो भैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियां, ते करना की है मिलके करें कहानियां समरथ कंत किया। फिर जो नाम जपन वाले मिलते ने ना, तो मिलके फिर चुगलियां नहीं करते भी चलो मिल गए हैं तो चुगलियां करिए, समा मिलिया तो निंदा करिए। फिर संगत करके नाम जपन वाले एक दूसरे की संगत करके मालक दे गुण गाते ने। मिल प्रीतम सदा सुख पाए, फिर मालक की बख्शिश होंगी है, कृपा होंगी है, वो गुण गायन करद्या करद्या गुण गाउंदिया गाउंदिया फिर एक दिन वह समा आउंदा है भी मालक विच भेद हो जाते हैं, मालक नूं मिल पैंदे ने, मालक उन्हां नूं मिल पैंदा। किन्हां नूं मिलदा है? जिन्हां दा हिरदा निर्मल हो जाए। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाचे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। फिर उन्हां दी एक मिकता हो जाती है, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक पे है कोई ना सके पछानी। फिर अपने मालक नूं मिलके सुख प्राप्त करते ने। हाँ तिन बलहार है जिन हर मन वसाए, उन्हां तो सदके जाइए जिन्होंने परमेश्वर का नाम हिरदे च वसा लिया। हर जन को मिलिया सुख पाइए, हर गुण गावे सहज सुभाए, ऐसे परमेश्वर दे प्यारियां नूं मिलन करके सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। ते सुते सिद्ध जीव परमेश्वर दा नाम जपन लग पैंदा है। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए, फिर जिवें जिवें नाम जपदे ने ना तिवें तिवें मन विच चाह होर वधदा है। ये ओ रस है जिन्हों जिवें जिवें चखेगा होर आनंद आएगा, जिवें जिवें चखेगा होर आनंद आएगा। तो किन्ना क आनंद आएगा? इन्ना क आनंद आएगा कि वह फिर दसण तो असमर्थ होएगा। कहे कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। फिर वह आनंद ना शब्दा राही बयान हो सकता है, वह आनंद ना दसिया जा सकता है, उस आनंद नूं केवल माणिया जा सकता है। फिर वह परमेश्वर के नाम जपण के आनंद विच इन्ने मस्त ने। दिन दिन दूना हेत वाली गल पिहार, रोज नवा चा नवी खुशी नवा खेड़ा, कदी भी फिर वह रब का प्यारा नाम जप के आखदा नहीं। हर जीओ आप वसै मन आए, ते जदों वह आखदा नहीं ना चा नाल जपदा, फिर उन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर आप आके वस जांदा है। आपे शोभा सद ही पाए, फिर मालक दी उन्हां ते कृपा हुंदी है, बख्शिश हुंदी है, फिर उन्हां दी सारे संसार विच शोभा हो जांदी है। कोई माड़ा कर्म करे ना, लुक के भावें जिन्ना मर्जी चोरी कर लै, वह भी दुनिया विच प्रगट हो जाएगा। अनक पड़दे मैं कमावे विकार, खिन मैं प्रगट होए संसार। ते जे कोई परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपे ना, भावें जिन्ना मर्जी लुक के जपे, वह भी एक ना एक दिन दुनिया दे विच प्रगट हो जाएगा, उहदी शोभा होएगी। ते बचन ने बाणी चो आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट न छपै। फिर उहनां दी सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान, फिर उहनां दी सारा संसार उस्तत करदा। जो कबीर जी की उस्तत हो रही है, रविदास जी की हो रही है, किन्ने सन्मान नाल उस्तत करदे आ जिन्हां ने सारी जिंदगी गुरु दे लेखे लाई, बाबा बुढ़ा साहिब जी की हो रही है ना उस्तत। जिन्हां ने अपना जीवन गुरु दे लेखे ला दिता, उन्हां दी फिर शोभा हुंदी है।
गुरमुख मेले मेल मिलाए तो फिर मालक का भी जी करता इन्हों अपने नाल मिला लव। फिर गुरु की राही अकाल पुरख वाहगुरु उन्होंने अपने नाल मेल लेंदा है। गुरमुख राते शब्द रंगाए फिर गुरु की कृपा नाल उन्हों का हिरदा परमात्मा की बख्शिश का सदका शब्द विच रंगिया जाता है, बाणी नाल रंगिया जाता है, बाणी का रंग चढ़ जाता है। केड़ा रंग चढ़ता है? वह रंग चढ़ता जिहड़ा कदी भी फिका नहीं पैंदा, जिहड़ा रंग हमेशा गूढ़ा रहिंदा है। निज घर वासा हर गुण गाए दिनों दिन बाणी पढ़ते ने रंग गूढ़ा हुंदा जांदा। हर रोज नितनेम अनुसार गुरु दरबार वल आउंदे ने, गुरु की संगत करते ने, ते रंग फिका कदी पैगा नहीं, रंग होर गूढ़ा हो जाएगा। तो जिन्होंने इस प्रेम करके आना उन्होंने कोई रोक भी नहीं सकता। जिन्हों की तो गल हो ना उतों उतों उन्होंने तो सौ बहाने ने। अज आ काम से ता नहीं गुरुद्वारे जाया गया, अज आ काम पै गया ता नहीं नितनेम होया, ता नहीं बाणी पढ़ी गई, ता नहीं गुरु दरबार में जाके सेवा की गई। तो जिन्हों की सच्ची प्रीत है ना तो साहब जी के पावन बचन उन्होंने तो कोई रोक ही नहीं सकता। झखड़ झांगी मीह वरसै भी गुर देखण जाई, इथे बस नहीं समुंद सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। तो उन्हां दी प्रीत दसो फिकी किवें पैगी? वह रंग तो गूढ़ा होना ही होना है, वह तो हर रोज रंग होर गूढ़ा होना है, वह प्रीत होर वधनी है, वह प्यार होर वधना है। गुरु नाल कदी भी फिर दूरी नहीं पै सकती, उहदी ते गुरु नाल होर दिन ब दिन नेड़ता बननी। फिर मालक की कृपा का सदका निज घर वासा हर गुण गाए, तो फिर गुण गाउण दे नाल उहदा अपने निज घर अपने स्वय स्वरूप दे विच निवास हो जाता है। रंग चलूले हर रस भाए, तो फिर ऐसा गूढ़ा रंग मूह लालन सो प्रीत बनी, तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै ऐसी माधो खिंच तनी। फिर इन्नी गूढ़ी प्रीत पै जाती है अकाल पुरख वाहिगुरु दे परमेश्वर दे प्रेम दी, भी वह प्रेम दी प्रीत जिहड़ी है प्यार जिहड़ा कदी भी प्यार टुटदा नहीं, ते कदी भी मालक दे प्यार दा रंग फिका नहीं पैंदा। ए रंग कदे ना उतरै साच समाए, फिर यह रंग कदी नहीं उतरदा। जे सुख हो ना फिर तो इन्हें उतरना ही की है, तो जे कि दुख आ जाण ता भी नहीं उतरदा। 18 साल की उम्र भाई शाहबाज सिंह दी अपने पिता शुबेग सिंह दे नाल इन्होंने शहीदी प्राप्त की। विद्वानों ने बड़े कमाल दे बोल कहे कि शुबेग सिंह ने शाहबाज सिंह वल तकिया भी नौजवान उम्र 18 साल की उम्र, तो उन्हूं पक्या किया आख्या पुत्र हुण आपां शहीदी प्राप्त करनी है, सिखी तो डोलना नहीं, केसां दी बेदबी नहीं करन देनी, सिखी सिद्धांत तो दूर नहीं जाना, इस्लाम कबूल नहीं करना, शहीदी प्राप्त करनी है। तो तेरे मन विच की ख्याल है इस संबंध विच जरा दसेंगा? तो शाहबाज सिंह की 18 साल की उम्र सी, वो हिरदा जिन्हों सिखी का रंग लगा। वो आखन लगा पिता जी मेरे मन विच ते चा ही बड़ा है, मेरे मन विच ते खुशी बड़ी है शहीदी प्राप्त करन दी। ते शुबेग सिंह जी ने पूछया पुत्र वो किवें? ते शाहबाज सिंह जी आखन लगे पिता जी तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सिंह हो ना, तुसी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सिंह हो ना। ते भाई शुबेग सिंह जी कहन लगे पुत्र हाँ। ते शाहबाज सिंह जी कहन लगे पिता जी तुसी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सिंह हो, मैं तुहाडा पुत्र हाँ, तुसी मेरे पिता हो, तो मैं तुहाडी गोद विच बैठा, मैं तुहाडा पुत्र बनिया। जे मैनू तुहाडी गोद विच बैठ के इन्ना सुख मिलिया, इन्ना आनंद मिलिया, तो जे मैं शहीदी प्राप्त करके साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गोद विच बैठांगा फिर मैनू किन्ने क आनंद की प्राप्ति होएगी। इस वास्ते मैं शहीदी प्राप्त करके
साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की गोद में बैठना चाहता है, मैनू कोई भी भय नहीं, कोई भी डर नहीं। ये रंग परमेश्वर के नाम का, गुरु की बाणी का, गुरु की सिखी का। 18 साल की उम्र के भाई शाहबाज सिंह चढ़िया तो सावे पिता के नाल चरखड़ी ते चढ़े, ना भाई शुबेग सिंह डोले ना भाई शाहबाज सिंह डोले। ये वो परमेश्वर के नाम का रंग, ये वो सिखी का रंग, ये वो सिद्धांत का जज्बे का रंग है जिहड़ा कदी फिका नहीं पैंदा, सगों दिनों दिन गूढ़ा हुंदा है। ते साहिब जी ने यही बख्शिश की, ये रंग कदी ना उतरे साच समाए, ये फिर रंग कदी भी उतरदा नहीं। जिहड़ा एक बार मालक दे नाल अभेद हो गया, ये रंग ते सगों दिनों दिन गूढ़ा हुंदा है। अंदर अंतर शब्द मिटिया अग्ञान अंधेरा, फिर की कृपा हुई मालक दी, जदों गुरु दे शब्द नूं पढ़िया, मूल मंत्र दा, गुरु मंत्र दा, जो पंज प्यारियां कोलों प्राप्त होया, जो पंज प्यारियां ने दृढ़ करवाया, उहदा अभ्यास कीता, गुरु दी पावन बाणी पढ़ी, गुरु दा शब्द जदों हिरदे च वसिया ते होया कि अग्ञानता मिट गई, शब्द दा प्रकाश होया। ते जिवें दीवा बले अंधेरा जाए, अंदर ज्ञान दा दीवा जग गया, अग्ञानता दा अंधेरा दूर हो गया, ज्ञान अंजन गुरदिया, अग्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। फिर हिरदे विच ज्ञान दा प्रकाश हो गया, हिरदे विच चानना हो गया। ते जे आपां गुरु शब्द दे अखरी अर्थ वेखीए ना, गगे पैरौंकड़ ते रारे नूं दलैंकड़ गुरु, इहदा अर्थ ही इह बणदा भी जिहड़ा अंदरों अग्ञानता दा अंधेरा दूर करदा, ज्ञान का प्रकाश करता। गगे पैरों कुड़ गो, गो माने हनेरा, रारे पैर दलैंकड़ रू रू माने प्रकाश। तो गुरु का भाव कि जिहड़ा साढ़े अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है, अग्ञानता का हनेरा दूर हुंदा है। तो ज्ञान का प्रकाश हुंदा किवें है, गुरबाणी इस जग में चानण हुंदा गुरबाणी करके। जिवें जिवें गुरबाणी पढ़ेगा, गुरबाणी की अंदर लौ प्रगट होएगी, गुरबाणी अंदर प्रकाश करेगी, फिर मन मत अग्ञानता वहम भरम पखंड इन्हों का नाश हो जाएगा। सतगुर ज्ञान मिलया प्रीतम मेरा, तो फिर पूछिए भी कितों मिलया ज्ञान, ये प्रकाश मिलया कितों, चानना मिलया कितों। तो साहब जी कहते क्योंकि गुरु अमरदास महाराज जी का अपना जाति तजर्बा है, 21 साल वो लगातार गंगा ते जाके इशनान करते रहे, उतों नहीं यह ज्ञान प्राप्त होया। बड़े कर्म कांड कर ले, तीर्थां ते नहा ले, दान पुन कर करके वेख लिया, एकादशी दे द्वादशी दे पता नहीं किहड़े किहड़े वर्त रख के देख लै, भुखे रह रह के वेख लिया, ये ज्ञान नहीं प्राप्त होया। यह ज्ञान का प्रकाश कितों प्राप्त होया, साहिब गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे जदों मैनूं पूरा गुरु मिलिया। सतगुर ज्ञान मिलिया, पूरा गुरु है ही ज्ञान, गुरबाणी की है, गुरबाणी है ही ज्ञान, ज्ञान गुरु है, गुरु ज्ञान है। तो जदों मेरा प्रीतम प्यारा पूरा गुरु ज्ञान रूप भाव गुरबाणी रूप मैनूं मिलिया, जो सच राते तिन बहुण ना फेरा, फिर ऐसे ज्ञान रूप गुरु की कृपा का सदका जेड़े सच विच रते गए भिज गए जुड़ गए ना, उन्हां दा जीवन सफल हो गया, फिर उन्हां दा दुनिया ते आउण जाण दा चक्कर ही मिट गया। जम्मण मरण ना तिनको जो हर लड़ लागे, जिन्नी देर तक विशे विकारां विच बुरियाईआं विच किते धन नाल किते माया नाल किते होर पासे प्रीत, आप जी ने शब्द सुनिया जेकर मकान नाल प्रीत पा ली, धन नाल प्रीत पा ली, परिवार नाल प्रीत पा ली, धियां पुत्रां नाल प्रीत पा ली, ते की कुछ प्राप्त हुंदा है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जो मरै, सर्प जोन वल वल उतरै, फिर ते उही जूना प्राप्त हुंदियां ने। ते जे प्रीत पै गई सच्चे मालक दे नाल, गुरु की संगत विच आउण करके सांझ बन गई, ते फिर जम्मण मरण दा दुख ही मिट गया। आई ते चाहीदा गुरु कोलो एक दुख राम रै काटो मेरा, अगन दहे अर गर्भ बसेरा, जो सच राते तिन बवण ना फेरा, नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की जदों संगत विच आउने
ते सच्चे पातशाह फिर सानू भरमां विच नहीं पाउंदे। गुरु भरम चो कढ़दे ने, फिर ये नहीं आखदे भी तू आ करी, आ पुन करी, आ दान करी, आ वर्त रखी, इस तीर्थ ते जाई। नहीं, सतगुरु महाराज जी ने कृपा की, बख्शिश की, सिख नूं बाणी दी दात बख्शिश की, अमृत वेले दी दात बख्शिश की, अमृत दी दात बख्शिश की, बाणी दी दात बख्शिश की, ते जिहदे ते सतगुरु जी ने आ रहमत करके आ दाता जी की झोली च पा दित्तियां, नाम नूं दृढ़ करवा दिता, उहदे ते फिर अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश हुंदी है। समुचे शब्द का भाव जिहड़े नाम जपण वाले ने उहनां दी संगत करिए, टुटिया होयां दी संगत भुल के ना करिए। नाम जपण वालियां दी संगत करन दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रति प्यार पैदा हुंदा है, ते जदों मालक प्रति प्यार पैदा होएगा, गुरु घर आवांगे, बाणी पढ़ांगे, सेवा करांगे, अमृत वेले दी संभाल करांगे, अमृत बाणियां दा जाप करांगे, फिर गुरु दी बख्शिश दा सदका धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं छड के आसे पासे नहीं भटकांगे। ते जदों सतगुरु महाराज जी दा पल्ला फड़ के बैठ गए, फिर ये लोग सुखी है, पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। गलतियां भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Yeah।